अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। डेफिनेशन: इरेक्टाइल डिसफंक्शन आल्सो कॉल्ड इम्पोटेंस इन द इज द इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्ट पीनस। जब हमारा पीनस होता है उसको हम इरेक्ट नहीं रख पाते तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाता है या इम्पोटेंस। मिल्ड एंड मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ मैन पर डिकेड ऑफ लाइफ, 50% ऑफ मैन इन देयर 50s या 60% ऑफ मैन इन देयर 60s। यानी कि कब अफेक्ट करता है, जो कि 50 साल के हों या 60 साल के, उनको ये अफेक्ट करता है। यानी कि उनमें ये पाया जाता है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन अकर एट एनी एज बट इट इज़ मोर कॉमन इन मैन दैट आर ओल्डर। जो कि ज़्यादा ओल्डर अडल्ट होते हैं यानी कि जो बूढ़े होते हैं उनको ये ज़्यादा बीमारी ये होती है, जो कि उनका जो पीनस है वो इरेक्ट नहीं रह पाता। साइन एंड सिम्टम इसके क्या होंगे? इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिम्टम्स माइट इंक्लूड परसिस्टेंट ट्रबलिंग गेटिंग एन इरेक्शन, मसला आएगा इरेक्शन में, ट्रबल कीपिंग एन इरेक्शन, इरेक्शन को रखने में मसला आएगा, रिड्यूस सेक्सुअल डिज़ायर, जो उसको सेक्स करने की डिज़ायर होगी वो भी कम हो जाएगी। कॉजेज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होंगे? टोबैको एडिक्शंस, टोबैको की वजह से, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से, डायबिटीज़ की, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज़ की वजह से, डिप्रेशन, टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, लैक ऑफ थायराइड हार्मोन, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल पीने की वजह से, किडनी लिवर डिजीज़ की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी: इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन बी ड्यू टू वेस्कोलोजेनिक, न्यूरोजेनिक, हार्मोनल, वेनो ऑक्लोसिव या साइकोजेनिक एंड और फार्माकोजेनिक फैक्टर्स, एज वेल एज अल्टरनेशन इन द नाइट्रिक ऑक्साइड, साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट CGM और साइक्लिक अमाइनो फॉस्फेट CAMP। पाथवे और अदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंक्लूडिंग गैप जंक्शन और आयोनिक चैनल रिजल्टिंग इन एन इम्बैलेंस इन कॉर्पोरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये किसको जो हमारे किसकी वजह से हो सकता है? न्यूरोजेनिक की वजह से, हार्मोनल या वेनो ऑक्लूसिव या साइकोजेनिक या फार्माकोजेनिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। यानी कि न्यूरोजेनिक उसको डिसऑर्डर वगैरह हो या फार्माकोजेनिक कोई मेडिसन्स वगैरह की वजह से भी उसको हो सकता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं, कॉर्पोरल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन सही तरह नहीं रह पाती और वो पीनिस को इरेक्ट नहीं रख पाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या क्या करें? कंप्लीट ब्लड टेस्ट, CBC करवाएंगे, यूरिन टेस्ट, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, मॉर्निंग सीरम, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, प्रोलैक्टिन लेवल टेस्ट। ट्रीटमेंट्स एंड मैनेजमेंट्स: ओरल मेडिकेशंस, फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 5 इनहिबिटर PDE5 देंगे उसको, या वेग्रा सेल्डिनिफिल, लिविट्रा वार्डिनाफिल या सीलियालिस टेडालाफिल या एवेनाफिल या स्पेड्रा, और इंटर कैरवेनोसल इंजेक्शन देंगे है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई वन प्रोस्टेरिल कैवरजेक्ट या यूरिथ्रल एप्लीकेशंस, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 PGE1 या जो कि है हमारे पास एल्प्रोस्टाडिल MUSE, या वैक्यूम कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे। डिवाइस एक होती है रिप्यूटेबल कंपनी, नॉट सेक्स शॉप, यानी कि जो कंपनी अच्छी हो उसका यूज़ करना चाहिए। ये वैक्यूम कॉन्स्ट्रिक्शन पंप जो डिवाइस है जिसकी वजह से पीनिस को इरेक्ट किया जाता है, या सर्जरी पिनाइल प्रोस्थेसिस की वजह से जिसकी मैनेजमेंट की जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।